चलिए, ये मैक्सअप का पैनल को हम लोग अनबॉक्स करेंगे। और पहले पहले आया है, इसमें क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है इसको भी देखा जाएगा। ये हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका अनबॉक्सिंग। और देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया से पैकिंग हुआ रहता है। ये गद्दा देख सकते हैं आप कि कितना बढ़िया से ये पैक रहता है, इतना मोटा मोटा गद्दा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पैकिंग होती है इसकी। ये इसका स्टैंड है, बहुत भारी है, हैवी है। ठीक है, हाँ अब निकालना होगा। चलिए अब ये पैनल हम लोग निकालेंगे। ऐसे निकल जाएगा सर? नहीं निकलेगा, भारी है। सुला के निकालते हैं ना, सुला के निकालते हैं। कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट करो, नहीं आ रहा है। कैमरा को टिल्ट करो, नीचे करो, इसको खींचो और नीचे करो। खींचा जाए सर? यहाँ पकड़ने वाला होगा सर, यहाँ पे नहीं। देखते रहो, अरे ना कैमरा में नीचे से निकाला जाए, तुम खींचो उसको उधर उधर। सर नीचे नीचे थोड़ा करिए ना, हाँ नीचे खींचो खींचो खींचो। एक मिनट एक मिनट, इधर इधर से खींचो, इधर से पूरा खींचो, इधर से ये पकड़ो, ये हाँ उसमें डालो, खींचो सर नीचे करिए आप, गिरेगा नहीं तो। हाँ खींचो खींचो, हाँ सर निकल गया। ये कैमरा उधर उधर ले जाओ, उधर ये डिब्बा हटाओ तो हम था इस डिब्बे को। ये बहुत भारी डिब्बा भी इसका, और एक बोला इधर आ जाओ हम था। अब देखिए ये पूरा सील पैक रहता है, आप देख सकते हैं इधर से। इसको ऐसे सर काटिएगा इसको, कि अगर दोबारा भी हमको पहले जाना हो पैकिंग करके तो हम आराम से कर सके। एक कैंची ले जाओ, कैंची। चेहरा हम लोग का थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखो उसको बस। हाँ बस चेहरा तक ज़्यादा नहीं। काफ़ी अच्छा पैकिंग है इसका। काटिए आटी से, शुभारंभ किया जाए ऊपर से, ऊपर से काफ़ी काफी दिक्कत। ये खुलना चाहिए जैसे, और आगे के पीछे जी क्या क्या दिया है इसमें सर? यहाँ पे थोड़ा सा लेके आइएगा, यहाँ पे सर, सर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सर, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ कैमरा में भी आने दीजिए। ये आपका, इसमें आपका पिन है, रिमोट कंट्रोल है, देख लिया जाए सब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो आप जानते होंगे वाईफाई होता है नीचे की तरफ से लगाने के लिए उसमें पैनल में, देखो खोलो तो। और ये इसमें एक रिमोट है, और ये आपका दो स्टाइलिस है यानी कि मार्कर कह सकते हैं, और दो बैटरी है। हाँ ये आपका वाईफाई है जो पैनल के नीचे की तरफ से लगता है। ठीक है चलिए, और ये आपकी बैटरी है दो जो रिमोट में लगेगा, देखते हैं। उठाओ पेन उठाओ, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। ये क्या है सर आप बताएं? एक बीजीए है और एक एचडीएमआई। ये एचडीएमआई है? एचडीएमआई है। ये ऐसे ही तीन कनेक्शन है, कुछ कुछ होगा। ये पावर कनेक्शन है, ये पावर का कनेक्शन है, और ये आपका वो दिखाओ नट है तो दिखाओ। ये सब नट है जो कि लगेगा दीवार में, ठीक है ना? अरे देखो देखो गिरा, सही करिए उसको। और अब हम लोग लाइट का वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके करिए, हाँ सर आपकी बात सही। अब मान लीजिए हम इतना पैनल मंगवाए, सब चीज़ हुआ, वो सब अंदर रख दो, सब अंदर रख दो, हाँ अंदर रख दो, जब ज़रूरत होगा लेके आ जाना। इस साइज का बिट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जी, इस साइज का बिट जो है बिट नहीं है क्या? नहीं इस साइज का बिट नहीं, ठीक तो सब होगा सर, आप देखिए ना ध्यान से। बीट का मतलब नहीं समझ रहे? ड्रिल मारने के लिए। अच्छा हम दीवार के अंदर, ड्रिल मशीन नहीं है आपके पास? नहीं नहीं ड्रिल मशीन है, इस साइज का बीट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो बीट तो मान लीजिए हमारे पास 6.5 का है। ये कितने का है?
करीबन 8.8 का होगा। ठीक है सर, हम फ़ोन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मिल जाए तो, नहीं तो बोलिए तो मार्केट से लाए और क्या। हाँ तो ला दीजिए अगर दिक्कत ना हो तो, अभी तो लाइट कटा ही हुआ है। हाँ। कहिएगा तो हम चल चलेंगे आपके साथ। नहीं, नहीं, हम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी ज़रूरत पड़ता ही रहेगा ना। वो तो है, तो आप ले ही लीजिए एक ठो। चलिए अब फाइनली अब ये चढ़ेगा और फिर चलेगा। आ जाओ सर, इसको लगाना है ना। हाँ, इसमें, तो इसमें जाना। तो कहाँ से उठाएं? नीचे से उठाएं। देखिएगा ज़्यादा भार नहीं। एक मिनट हमको भी नीचे आने दीजिए। पकड़ लिए? एक मिनट। हाँ बोलिए, सरस्वती माता की जय। जय गया सर। आप के यहाँ बैठ गया? देखिए दोनों तरफ से बराबर है ना। इसको जो है, एक मिनट आप देखिए, ये उधर जाएगा। ठीक है, इधर का ज्यादा हो गया, लगे इधर का ज्यादा छूट गया, उधर का वो चीज आप मैनेज करते रहिए। ठीक है, आपका हैंगर भी बचा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आप बताइए कि पहले पूजा किया जाए ना। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए कर स्टार्ट करिए पूजा। इधर देखना चाहिए इसमें। रुक जाओ थोड़ा दूर करने दो। चलिए दो हम पकड़ ले रहे हैं, उधर चले जाओ ना हो तो उसके पंखा थोड़ा बंद कर दीजिए ना। नहीं उधर 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 वाला। हाँ तब सर पैनल लेके ठगा नहीं ना है, बढ़िया है ना। सुषिम पूजा घी का दिया जला दो, हो जाएगा स्वास्तिक का। इधर घूम के दिखाओ, इसमें आना चाहिए, वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे। इसमें थोड़ी दिखो, दिखा रहे हैं। कोई सरस्वती जी का दिखा दो, सरस्वती जी को। अरे फोटो सर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हो गया, ये सब समझते ही नहीं है। आ जाओ बुढ़ा, तुम भी पूजा कर लो। लाओ तो हम पूजा कर लें थोड़ा सा। आ जाओ रोड़ी लगा दो। ये किस साइड इंस्टॉल करना है? किस साइड लगा दे आपका कैंसिल वगैरह? यहाँ ममता ऑन करो। ममता ममता आओ ऑन करो, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। पेन लाई हो? उधर चले जाओ, उधर उधर जाओ। यहाँ से रिमोट यहीं से ऑन होगा ना पहले तो? नहीं, 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 रेड वाला, रेड वाला ऊपर पावर बटन थोड़ा ऑन करिए। ऑन करिए, हो गया, मेन चेंज हो गया। चलिए मेक्स अप एजुकेशन। आ जाओ इधर आ जाओ। और स्टार्ट इंग्लिश नेक्स्ट। इंडिया है ना सर? हाँ इंडिया, इंडिया बांग्लादेश हो गया। जी एच आई
आजा गुडल इंडिया, अपना इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया। ठीक है सर, कनेक्ट टू इंटरनेट। अच्छा वो इंटरनेट वाला एक जो था ना नीचे वाला लगाने वाला, लेके आओ तो लगाना पड़ेगा। हाँ सर, इसको स्क्रू ड्राइवर है ना, लेके आइए ना, नहीं लगा दिया जाए एक बार, वो स्क्रू ड्राइवर दीजिए ना छोटा वाला, नीचे इसको खोल के उसको लगाना पड़ता है, चारों तरफ वाला चाहिए, जो चारों तरफ वाला होता है ना छोटा सा, आप एक बार देख लीजिए ना आके, आप एक बार देख लीजिए आके। स्टार है मेरे पास, उसके अलावा और कोई? देखिए ये इसको खोलना है, ये है इस साइड है ना, लेके आइएगा, यही लगेगा इसमें। नहीं नहीं नहीं, फिर वो इंटरनेट हम लगा रहे हैं ना, डेट एंड टाइम चेंज करना है, कोलकाता करना है ना सर। यू हैव कंप्लीट द बेसिक सेटिंग एंड विल स्टार्ट यूजिंग द डिवाइस, एक्सप्लोर नाउ। हो गया। अब ये वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा इसमें, डाल दिए हैं इसको, डाल दिए हैं वाईफाई वाले पे कनेक्ट करो तो। हाँ ऑन करो, ये यहाँ से कैसे हटेगा जी? कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब तो ठीक ही है, एक आध वीडियो चलाया जाता है ना। इस पर लिखो पहले, जय माँ सरस्वती। कहाँ गया पेन में लेने का ऑप्शन? नोट लिखिए, हमें लिखे हैं रेड से ना, गुलाबी से लिखे। नहीं नहीं रेड, रेड ठीक है ना, जूम के लिए रेडी होता है। लिख दे, ब्लैक कलर चेंज कर दे बैकग्राउंड का। नहीं रेड को सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे। ऑनलाइन टोटल नहीं, ई एम आई नहीं, ऑनलाइन सारा टोटल पेमेंट। ओके कर दो, इसमें अच्छा सर, क्या छोटा होता है कि बड़ा? सो ला हो गया। आइए अपने कोचिंग का नाम लिखे, अपने कोचिंग का नाम क्या हुआ? बाबा मैथ्स वाला किशन सर। और अब बहुत फाइनली आप लोगों का स्टार्ट होगा इस पैनल पे वीडियोस, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स का। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, उस पर बनाया जाएगा। आज से ये शुरू होगा, देखते हैं सबसे पहले लाइव किस क्लास के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
वेलकम टू माय चैनल बारो मैथ्स वाला, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए तो समझ लो बहुत ट्रिग्नोमेट्री का प्रोटीन वाला क्वेश्चन, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन, और वो भी दो लाइन में आप सेटिंग कर सकते हो। बिकॉज ऑफ की बगल में आपकी कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे, फॉर्मूला जो आपको याद नहीं रहते हैं वो चलते जाएंगे। और हम इधर जो है उस चीज को प्रूफ करते जाएंगे, साथ ही साथ ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं प्रूफ दैट वा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एमसीक्यू के लिए तो सुना लो बहुत ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन अभी मिलने वाला है, एक आध महीना लग जाएगा, उसी लिए लेके आए हैं। याद नहीं रहते हैं वो चलते जाएंगे, और हम इधर जो है उस चीज़ को प्रूफ करते जाएंगे, साथ ही साथ ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं प्रूफ दैट वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। एमसीक्यू में क्या करना सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताइए, क्योंकि बच्चे सोचते ये हैं कि प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन में तो एनएचएस पास इसके बराबर लगाना होता है, तो इसमें एमसीक्यू कैसे आएगा, चार ऑप्शन कैसे देगा, तो चार ऑप्शन कैसे देगा हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि ये साफ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कितने हुए